नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। छिंदवाड़ा दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मध्य प्रदेश में 55वें जिले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पांडुरना, नंदनवाड़ी और सोनसर को मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। ये तीनों फिलहाल छिंदवाड़ा जिले की तहसील। उन्होंने कहा कि पांडुरना, नंदनवाड़ी और सोनसर को मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। ये तीनों फिलहाल छिंदवाड़ा जिले की तहसीलें हैं। इससे पहले सीएम नागदा और पिछोर, जो कि शिवपुरी में है, और नागदा उज्जैन को भी नया जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। 13 अगस्त को 53वां जिला मऊगंज अस्तित्व में आ चुका है। सीएम शिवराज गुरुवार को छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। उन्होंने यहां जाम सांवली मंदिर में श्री हनुमान लोक की आधारशिला रखी। 26 एकड़ में श्री हनुमान लोक का निर्माण 314 करोड़ रुपए की लागत से होगा। आपको बता दें, कमलनाथ के गढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक चला है। उन्होंने छिंदवाड़ा में पांडुरना को अलग जिला बनाने का ऐलान कर दिया। जाम सांवली के हनुमान मंदिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा कर दी। पांडुरना को सोनसर और नंदनवाड़ी को मिलाकर जिला बनाया जाएगा। एक हफ्ते में सीएम शिवराज ने दूसरा जिला बनाने की घोषणा की है। 3 दिन पहले सीएम ने शिवपुरी से अलग पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर पहले से ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि वह कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सीएम शिवराज ने जाम सांवली में 314 करोड़ के हनुमान लोक की आधारशिला रख दी है। इसके तुरंत बाद पांडुरना को जिला बनाने की घोषणा कर दी, जिसमें सोनसर और नंदनवाड़ी को शामिल किया जाएगा। अभी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाला पांडुरना एक आदिवासी इलाका है। यहाँ पर वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है, जहाँ से कांग्रेस के नीलेश उइके विधायक हैं। बता दें, पांडुरना की जनसंख्या 3,10,472 है, जिसमें लगभग आधी आबादी आदिवासियों की है। पांडुरना से छिंदवाड़ा की दूरी 90 किलोमीटर है और महाराष्ट्र से सटा हुआ इलाका है। ऐसे में यहां के रहवासियों को छिंदवाड़ा आने में काफ़ी परेशानी होती थी। लंबे समय से पांडुरना को जिला बनाने की मांग भी की जा रही थी। आज इस अवसर पर एक और विचार मन में आया है कि पांडुरना, सोसर और नंदनवाड़ी, इन तीनों तहसीलों को मिला के नया जिला बना दिया। तो आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा आप सब पर।